नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। सीवान के महाराजगंज में बीती रात फिर चली गोली। बताते चले कि 24 घंटा के अंदर जिले में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है। बताते चले कि जीवित यादव पिता स्वर्गीय गया माज को, जो बिशुनपुरा रिसोड़ा के रहने वाले हैं, वो अपने घर में सोए थे, तभी 4 की संख्या में अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए, जिसमें जीवित यादव को बाएं पैर में गोली लगी। वो घायल हो गए और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था। घटना बीती रात 11:40 के करीब की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही समाजसेवी श्रीनिवास यादव अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाना। आपको बता दें कि अपराधी 4 की संख्या में थे और यह महाराजगंज की घटना है। चार आदमी टोटल